चल रहे हैं, ठीक है। हमें लग रहा था बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है। हैं जी, आसान है? नहीं आसान, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक कोर जितना हमारा जो है फिंगर टिप यहाँ तक होना चाहिए, कंकर राउंड होना चाहिए और मिट्टी का नहीं होना चाहिए, पत्थर का होना चाहिए, ठीक है। किया शैतान ने, अल्लाह मियां हमसे विनती करा रहे हैं, कंकरियां चुनो। और मिट्टी खोद रहे हैं, और मिट्टी खोद के हम कंकरियां ढूंढ रहे हैं। मिली किसी को कुछ तो? देखिए ये नहीं नहीं, दैट इज रॉन्ग। ये देखिए, ये एक पोर जितना है, सीमी ठीक है, देखो सीमी साइज ठीक है और सही है यार, उन्हें राउंड का था, ये लंबी है। ये देखें जी, सीमी ने रिजेक्ट कर दिया है, ये लंबी है, इट शुड बी राउंड। ये है हमारा पाउच कंकरियों का, एंड आई हैव टू कलेक्ट 49 एंड 10 एक्स्ट्रा। ये है जी मुजल्फा, सब रोड्स पे बैठे हैं, बसेस भी खड़ी हैं। ये हमारा स्पॉट है, आपने भी फेंक दी अपनी, मैं मासूम हूँ। आप भी कितनी हो गई है, काउंट कर रही है साथ साथ? 10 नहीं है, इसको तो बाथरूम जाना पड़ेगा। क्या हुआ बता देना। मिला कंकरियों की फॉर्म में, जो हमने देखा तो इतनी इतनी सी थी, चुनी चुनी थी, रिजेक्ट करके हमारे जो अभी मुआवजा हुआ था बहन के साथ, इट्स ऑल रिजेक्टेड, क्योंकि ये सवाल नहीं हो सकती, पोस्ट नहीं होता रिजेक्ट, नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, चल तो बैठ जा, उतनी मुट्ठी भर के खा के ले लो, और तेरी बड़ी कोई मुआवजा भी हो गया था, मुआवजा तो है तेरे तो ऊपर दिया कि मुझे किया, अरे मुआवजा बड़ा मजा आया है, अपनी थैली में से निकाला, लेकिन मजा बहुत आया देने। चले बैठे, अल्लाह मियां ने कहा अपनी कंकरियां खुद चूज करें, मेहनत करें, हेल्प करें एक दूसरे की, लेकिन खुद करें काम, ठीक है। चले आए, शाबाश, बैक टू बिजनेस। कंकरियां बस जा रही हैं और सारे उतर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, सारे हाजी जितने भी हाजी हैं सब मुजल्फा में हैं, जिसको जहाँ जगह मिल गई है सो गए कंकरियां इकट्ठी करने के बाद, क्योंकि फजर तक सब यहीं पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम मुजल्फा पहुंच गए हैं, हम मुजल्फा पहुंचे अराउंड 10:30-11, और हम यहाँ पे फजर के बाद तक मौजूद हैं मुजल्फा में। अभी हम कंकरियां चुन रहे हैं आपके साथ, और जो मैंने इमेजिन किया था वैसा बिल्कुल नहीं है मुजल्फा। आई थॉट कि मुजल्फा मैदान होगा, रॉक्स होंगी, वहाँ कंकर चुनने होंगे एंड स्टफ लाइक दैट, बट ये रोड्स हैं, इट्स मोर लाइक फैजाबाद और यू नो लारी अड्डा टाइप, बस स्टेशन टाइप, और हम सब सड़कों पे ही बैठे हुए हैं और साइडों से हम कंकरियाँ चुन रहे हैं। तो हमें लग रहा था बहुत आसान है, बट इट्स वेरी वेरी टेक्निकल, क्योंकि उसका एक साइज होता है, उतनी साइज की हो, राउंड हो, कोई कलर हो, मिट्टी की ना हो, तो वो कंकरियाँ 49 ईच हमने चुनी हैं। तो राइट नाउ हम मुजल्फा में ये कंकरियाँ चुन रहे हैं, क्योंकि कल को 10 दिलज को सुबह को हमने बड़े शैतान को अब्बा को कंकरियाँ मार लिया। थैंक यू। हमारा स्पॉट, यहाँ पे लोग सो रहे हैं, कंकरियाँ इकट्ठे कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लेके आए हैं पानी, लेके आए हैं लबान, लेके आए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कंकरियाँ चुन रहे हैं। दिखाती हूँ आपको, मेरी तो बहुत थोड़ी हुई है अभी, आई थिंक 10 हुई होंगी हार्डली, अभी काउंट करती हूँ। सो मिशन इज सक्सेसफुल, मैंने कंकरियाँ कलेक्ट कर ली हैं और मेरे हाथ भी जख्मी हो गया है, बड़ा काम करके आए, लेकिन बड़ी अचीवमेंट लग रही है मुझे भाई, बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट है, और अमीर गरीब छोटा बड़ा, ईच एंड एवरीवन इज ऑन द रोड,
बिग बॉस का टास्क मिला हुआ है और सीमी नकवी इसमें चाहती है कि इनकी टीम विन करे, तो इस वक्त बैठ के आधे घंटे से ये कंकरियां जो है वो फिल्टर कर रही है अच्छी अच्छी वाली, क्योंकि वो रिजेक्ट ना हो जाए, जो अप्रूव वही होंगी जो गोल होंगी और इतनी लंबी होंगी अच्छी और बड़ी कंकरियां। नेक्स्ट टास्क वही है जो कंकरियां चाहती है कि छोटी ना मारू मैं कि उसको तकलीफ कम हो, चाहती है उसको तकलीफ ज्यादा से ज्यादा हो। सीमी नकवी आप क्या कहेंगी? माइक नहीं लगा हुआ। साइज की कंकरियां लेनी है और हाँ। टक टक करके शैतान के सेंटर पे आपने मारनी है उसके नाक के ऊपर आवाज भी आनी चाहिए, तो जब टक आएगी तो इसका मतलब है कि उसको कंकरी लग गई। और कितनी मारनी है? रिपीट करें बड़े शैतान को जो बड़ा बाबा है उसको सेवन और बाकी तीन दिन जो बड़ा शैतान है वो है आपका सबसे बड़ा नफ्स, वो है मैं उसको मारना है, उसके लिए सारी मेहनत करी अपनी मैं को मारने के लिए। कोई मौत से आता फरमाया अल्लाह तुझे इस तपती हुई जमीन का वास्ता जिसमें हम सब बराबर हैं, कोई मौत से आता फरमाया अल्लाह तू बहुत करीम है बहुत रहम दिल। क्या मौत चाहिए जल्दी बोल दो। कोई भी मौत से आता फरमा दे, क्या मौत से आता फरमा, मसलन कोई भी गर्म खाना चाहिए गरम। इस वक्त रात के आई थिंक 2:30 बज रहे हैं, 10 जिलज हो गई है, 10 शबे 10 जिलज, कल ईद भी है। हम इस वक्त मुज़दलिफ़ा में हैं, पूरे हाजी जितने भी हैं इस वक्त मौजूद मक्का में वो सब इस वक्त मुज़दलिफ़ा में हैं। और मुज़दलिफ़ा में आपने रात स्पेंड करनी होती है फजर तक, और उसके बाद आपने यहाँ से कंकर उठाने होते हैं जो आपने शैतानों को मारने वो कलेक्ट करने होते हैं। तो फजर तक यानी तलुए सुबह तक आप यहीं पर ही हैं। काफ़ले निकलना शुरू हो गए हैं ऐसा ऐसा मुज़दलिफ़ा से। आई डोंट नो अल्लाह मियाँ हमें क्या सिखाना चाह रहे थे इस चीज़ को हज का पार्ट बना के, क्योंकि इसमें अमीर गरीब यूजुअली अमीर जो अपनी कंफर्टेबल लाइफ में रहते हैं वो सब इस वक्त ज़मीन पर सो रहे हैं लिटरली, और ज़मीन पर से हीट निकल रही है और चटाइयाँ भी बिछाई हुई हैं चादरें भी बिछाई हुई हैं और स्टिल उसमें से बहुत ज़्यादा हीट है। आगे तो अल्लाह मियाँ क्या दिखाना चाह रहे थे हमें कि आप जितना मर्ज़ी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो आपका लेकिन यहाँ पे सब बराबर हैं, पूरी दुनिया से मुस्लिम्स आए हुए हैं लेकिन सब ज़मीन पर लेटे हुए हैं। जमकरात यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स लाइक 4.8 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और बसेस बहुत ज़्यादा हैं काफ़ले बहुत ज़्यादा हैं, तो आई अज्यूम कि हमें आई थिंक 30 मिनट्स टू 1 आवर लग सकता है।